बिस्मिल्लाह रहमान बहन, अस्सलाम वालेकुम प्यारे। ये देखें, ये ऐसे करके आपने बहन, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपका किचन विद आसिया में। तो आज मैं विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ निमको की, जो आप घर में ही बासानी किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्राई वाली चीज़ें बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे चने की दाल ली, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके उसका पानी ड्रेन कर किया और उसको अच्छा सा ड्राई कर लिया, क्योंकि आपने इसको फ्राई करना है। पानी आपका किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये चने हैं, जिनको सफ़ेद चने थे, जिनको मैंने ओवरनाइट सोक किया मीठा सोडा लगाकर, और फिर उनके अंदर मैंने कलर शामिल कर दिया। सुबह हुई तो मैंने इनका पानी ड्रेन करके इनको ड्राई कर लिया, ठीक है। इसके अलावा बादाम है, किशमिश है, और ये है काजू है, ठीक है। ये आप ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप जो जो आपको पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मसर भी इसमें जाते हैं, जो जो आपको चीज़ें पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो मसाले डालने हैं और जो बेसन का तरीका है, अब उसकी तरफ चलते हैं। जो इसका हमने मसाला ऊपर रेडी करना है, उसके लिए मैंने नमक लिया है, लाल मिर्चें ली हैं, चाट मसाला लिया है और टाटरी ली है। इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको नहीं बता रही, आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है कितना कितना आपने इसके अंदर डालना है। अब जो बेसन है वो मैंने लिया है जी, 3 कप बेसन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मैंने मैयर करके रख लिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा मीठा सोडा, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन, ठीक है। इसके अंदर आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो बेसन ही है। इसको आपने बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं कर देना और बहुत ज़्यादा इसको हार्ड भी नहीं कर देना, ठीक है। तो इसके अंदर आपने लेने हैं 1 टेबलस्पून ऑयल के, ये गर्म ऑयल है, ठीक है। इसके अलावा पानी आपने हसबेंड रोल साथ रख लेना है। ये है जी निमको मेकर, ठीक है। और ये इसके टूल्स हैं, एक ये है, इसके अलावा ये इसके साथ ही आते हैं। ये है ब्रीक सेमियाँ, थोड़ी सी आपने अगर मोटी बनानी हुई उसके लिए, ये होती है पापड़ी के लिए, और ये होता है गाठिए के लिए, ठीक हो गया। तो बेसन रेडी करते हैं। अजवाइन जाएगी, वन फोर टी स्पून मीठा सोडा, नमक भी 1/2 टीस्पून के करीब ही जाएगा, पहले इनको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। जीरा भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये इस तरह की आपकी डो होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा आपने हार्ड कर लेनी है, ना बहुत ज़्यादा लिक्विड कर लेनी है। बस इसको रखना नहीं है, इसके साथ ही हम सेमियाँ रेडी करेंगे। तो ये टूल्स मैंने निकाल के रख ली हैं। सबसे जो ब्रीक वाली होगी ना, ये देखिए, ये इसकी बनेगी सेमियाँ। सबसे पहले हमने इसको ग्रीस कर लेना अच्छे से।
चलिए ऐसे करके आपने ऊपर भी घी लगेगा। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, सेमिया, आपने फिक्र नहीं करनी कि इसकी शेप किस तरह बननी, बस आपने डालते जाना है क्योंकि बाद में हमने इसको तोड़ना है। तोड़ के फिर हमने इसकी इनको बनानी है। हैं गाठिया, आपने एक अच्छा साइड अच्छा पे ही कोई सारा नहीं, कुछ नहीं डाल देना, ठीक है? खिलार के फिर आपने डालना, और पैनिक नहीं होना आपने कि ये जी खराब हो गई है। ये देखिए कितने मजे के मारे गाठिए रेडी हो रहे। आपने इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना, ये हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए लग रहा है ना, बस इसको घुमाना है आपने। फर्स्ट टाइम में जरूर थोड़ा सा पैनिक होंगे क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, देखने में इजी लगता है ये। चलिए आपने इसको 3 से 4 मिनट बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। ठीक चलें जी, ये हो है। गया। अब आपने जो हमने चने वगैरह हमारे वो उनको फ्राई करेंगे। जी पापड़ी हो गई, गाठिया हो गया और सेमिया हो गई। इसको पकाने का तरीका क्या है कि आपने ये देखा, ये डाला, अभी कितने ज्यादा बबल्स है, आपने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है? घबराना भी नहीं है। जैसे जैसे बबल्स खत्म हो जाएंगे ना, तो उसका मतलब होगा हमारे चने फ्राई हो गए। अभी आपने इसको बस थोड़ा सा हिला के छोड़ देना। देखें कि जब हमने डाले थे इसमें कितने ज्यादा बबल्स थे, और अब देखें कि बबल्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और दूसरा, इसको जब आप ऐसे करेंगे तो इसमें से आवाज आएगी, ठीक है? 5 से 7 मिनट लगेंगे, आपने इसको आराम से होने देना है। दूसरे चले जी, ये भी हो गया, आवाज सुने इसकी। चलें जी, ये भी हो गया, इसकी आवाज सुन लें आप। बारी है बादाम की, हल्का सा बस हमने इनको फ्राई करना है। चलें जी, ये भी हो गया, अब बारी है काजू की। चलें जी, ये भी हो गया, अब बारी है पीनट्स की। पीनट्स में आपको दिखाना भूल गई थी। चलो मसाला, नमक, नमक, टाटरी हसबे जरूरत, और सुर्ख मिर्च। अब इनको मिक्स करेंगे। चले, ये आ गया गाठिया, बस को हमें तोड़ना है, ज्यादा भी नहीं तोड़ना, बस मोटा मोटा इसको तोड़ लेना है। तोड़ेंगे पापड़ी,
मसाला डाला, मसाले को तो करेंगे और अब ये जिनको बीपी का इशू है वो इसमें नमक को ना डालें, क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है तो उनके लिए नफ होगा। देखें अभी मैं इसको जार में डालूंगी। जी तो यहाँ पे निम्को बनके बिल्कुल तैयार है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल किचन विद आसिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।